20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। क्या है पूरी खबर सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान आज सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड की मांग नहीं की और उन्हें 20 मार्च के लिए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिछली बार जब उन्हें पेश किया गया तो उनकी रिमांड बढ़ाई गई थी। सीबीआई ने कहा कि हम अभी मनीष सिसोदिया की हिरासत नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मनीष सिसोदिया ने फिजिकल पेशी पर जोर दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। न्यायिक हिरासत के दौरान मनीष सिसोदिया को जेल में दवाइयाँ, डायरी, पेन और भागवत गीता रखने की इजाज़त होगी। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।